Hey guys, how are you? I hope that you guys are doing well. So, इस वीडियो में हम करेंगे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। आप जानते हैं कि मैं क्या क्या पढ़ा रहा हूँ। पिछला वीडियो प्रेसिडेंट के बारे में था, तो ये वीडियो डेफिनेटली वाइस प्रेसिडेंट के बारे में होगा। एंड मेरा एम ये है कि मैं पूरी पॉलिटी खत्म करूँ 20-25 वीडियोज में, तो वो एम है। लेट्स सी खत्म होता है कि नहीं। आई विल ट्राई माई बेस्ट एंड आई वॉन्ट यू टू गिव योर बेस्ट टू अंडरस्टैंड। एंड अगर आप समझ रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, थोड़ा सा मोटिवेट करिए मुझे भी, ठीक है। So I am not getting the amount of response from you guys which I should get. मेहनत कर रहा हूँ यार, थोड़ी सी appreciation दो। The Vice President, first question, the Vice President is the ex officio chairman of Rajya Sabha. Rajya Sabha का ex officio chairman होता है वो, ठीक है। तो ये चीज, in case of President wishes to resign, to whom? President, right? तो Vice President, Vice President को अपना resignation देगा President, और वाइस प्रेसिडेंट किसको देगा अपना रेजिग्नेशन? प्रेसिडेंट, लाइक गिव एंड टेक वाला है ये, ठीक है। और स्पीकर किसको देगा अपना रेजिग्नेशन? स्पीकर देगा चेयरमैन को, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। कौन है? यही क्वेश्चन है ना, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज वाइस प्रेसिडेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हेल्ड द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट फॉर ऑफ इंडिया फॉर टू कंसेक्यूटिव टर्म्स? दैट इज राधा कृष्णन। जब राधा कृष्णन, जब राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट थे दो कंजर्वेटिव ईयर के लिए, 1950 से 1962 तक जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और ये बनते हैं सेकंड प्रेसिडेंट, 1962 से 1967 तक ये बनते हैं प्रेसिडेंट। हाँ, प्रेसिडेंट, ये वाइस प्रेसिडेंट होते हैं 1950 से 1962 तक। Consider the following statement. No formal impeachment is required for the removal of vice president. Nahi. Impeachment procedure is different as far as the president ka impeachment is concerned. Vice president ka. But impeachment president hai. Impeachment president bol raha. Impeachment hai. ठीक है, कोई procedure hai vice president ka. ठीक है. Dispute regarding election of the vice president is referred to election commission. Yeah. अगर कोई भी डिस्प्यूट आती है इलेक्शन में, इलेक्शन के वाइस प्रेसिडेंट में, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज द रिस्पॉन्सिबल वन। सो ओनली टू इज करेक्ट। द यूनियन एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया कंसिस्ट, ये पिछले वीडियो में भी था, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑफिशिएटिंग एज प्रेसिडेंट इज करेक्ट? ठीक है, देखो ध्यान से समझ, ध्यान से। ही शैल कंटिन्यू टू बी चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ही शैल सीज टू बी द चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, डेफिनेटली, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट हटा तो चेयरमैन भी नहीं रहेगा डेफिनेटली। सो बात यह है कि राज्यसभा का चेयरमैन जो होगा, चेयरमैन वो होगा वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। जब वो बंदा वाइस प्रेसिडेंट ही नहीं है तो चेयरमैन कैसे बन सकता है, राइट? सो ये चीज है। सो ही शैल बी सीज्ड, ये हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया? हाँ, ये रहा। सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द मेंबर ऑफ बोथ द पार्लियामेंट, बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। या नाउ इलेक्शन प्रेसिडेंट, इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम द मतलब प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट में सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स होते थे, राज्यसभा, लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव में लेजिस्लेटिव काउंसिल के, ठीक है। सो उसमें प्रेसिडेंट में थे। यहां पर क्या होता है, हालांकि मैंने वीडियो नहीं बनाया है वाइस प्रेसिडेंट पे, बिकॉज आई डिड नॉट सी एनी नीड ऑफ मेकिंग अ वीडियो आउट ऑफ इट। आई थिंक आई शुड डू इट इफ आई गेट द गुड रिस्पॉन्स और कमेंट पे, अगर आपने बोला तो मैं बना दूंगा, या लेट्स सी इफ आई गेट द टाइम आई विल डेफिनेटली मेक इट, ठीक है। उसमें मैं डिटेल्स में बताऊंगा। यहां पर भी थोड़ा बता देता हूं कि वहां पर ना बोथ हाउसेस लाइक नॉमिनेटेड वन भी इंक्लूड होते हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, लेकिन प्रेसिडेंट में सिर्फ इलेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो ये शॉर्ट में बताया मैंने आपको। सो बोथ वन एंड टू आर द राइट, नहीं मैंने सेकंड ऑप्शन नहीं बोला ना। ओके, सो व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट डिस्चार्जेस द फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट, ही वुड बी एंटाइटल्ड टू द सेम एमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस टू विच द प्रेसिडेंट। या जब प्रेसिडेंट एबसेंट होता है तब वाइस प्रेसिडेंट उसकी जगह लेता है, तो वाइस प्रेसिडेंट इज एक्टिंग एज अ प्रेसिडेंट, सो ही शुड गेट द अलाउंसेस एज अ प्रेसिडेंट, राइट। सो 5 लाख पर एनम की अभी प्रेसिडेंट की सैलरी है, तो और वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी 4 लाख है, तो वाइस प्रेसिडेंट अगर प्रेसिडेंट की एक्ट करता है तो उसको 5 लाख पर एनम मिलेगी, मतलब जो प्रेसिडेंट की सैलरी ही मिलेगी।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वाइस प्रेसिडेंट. द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ बोथ द पार्लियामेंट. या सही है. द कॉन्स्टिट्यूशन इज साइलेंट अबाउट अ पर्सन हु इज टू डिस्चार्ज द ड्यूटीज ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वैकेंसीज. नाउ सेकेंड पॉइंट में कुछ वर्डिंग्स मिसिंग है लूसेंट में, तो वो मैं नेट से सर्च करके लिख के लाया हूँ. The constitution is silent about the person who is to discharge the duties of the vice president during the period of vacancy. So both 1 and 2 are the right answer. Which one of the following statement is not correct? First option, the vice president of India holds office of period of 5 years. Yeah, ye to sahi hai definitely yaar, 5 years ka hi uska ye hai. Vice president of India can be removed by single majority of votes passed in the Rajya Sabha. No. Nahi. उसके इम्पीचमेंट अलग होता है. द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंटिन्यूज टू बी इन द ऑफिस इवन आफ्टर एक्सपायर्ड द सक्सेसर. ठीक है, वो तब तक रहेगा जब तक नेक्स्ट नहीं आता. द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज टू टुक इनटू ऑल डिस्प्यूट्स विद रिगार्ड टू द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया. ठीक है, ये भी सही है. तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. मैं बता ही देता हूँ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन कौन थे. देखो यहाँ पर सबसे पहले 1950 से 1962 तक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 1962 से 1967 तक जाकिर हुसैन, जो कि नेक्स्ट प्रेसिडेंट होते हैं. ठीक है, और फिर 1967 से यहां ऑप्शन में दे रखा है 67 से 69, 1967-69 बीबी गिरी. ठीक है, और फिर नेक्स्ट कौन से होते हैं, जीएस पाठक 69 से 74, दैट इज जीएस पाठक, ये नेक्स्ट प्रेसिडेंट होते हैं. ठीक है, और 74 से 77 बसप्पा दानप्पा जट्टी. ठीक है, और फिर 79 से 84 तक एम मोहम्मद हिदायतुल्ला. ठीक है, दीज आर द वाइस प्रेसिडेंट. अभी कौन है वाइस प्रेसिडेंट अपने, वेंकैया नायडू. ठीक है, सो 1, 2, 3, 4 इज द करेक्ट स्टेट मतलब सीक्वेंस. हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, द वाइस प्रेसिडेंट डेफिनेटली. हु विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट. इन ऑर्डर टू बी अ वाइस प्रेसिडेंट अ पर्सन मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल. अ मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव कैन सीक इलेक्शन टू दैट ऑफिस. द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इज सेम एज दैट ऑफ द प्रेसिडेंट. ही कैन बी रिमूव थ्रू अ फॉर्मल इम्पीचमेंट. फोर्थ वाला तो पूरा देखते से गलत है, और सेकेंड और थर्ड ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग. सो 1 and 4 आर द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रपोजल रिलेटिंग टू डिसमिसल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट कैन बी प्रेजेंटेड इन राज्यसभा. फाइन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following vice president was not appointed as president of the country? President कौन नहीं बने थे इनमें पूछ रहे हैं. Answer is कृष्णकांत, जो कि अपने vice president थे 97 से 2002 तक. So this is the right answer. Fine. The resolution for removing the vice president of India can be moved in Rajyasabha alone. ठीक है, मैं यही same question था. Who among the following have held the office for of Vice President of India? M. Hidayatullah, 79 से 84. ठीक है, फखरुद्दीन अली अहमद 1974 से 1977 तक प्रेजिडेंट थे ये. नीलम संजीवा रेड्डी जो कि अनअपोज्ड, नीलम संजीवा रेड्डी वॉज द ओनली वन प्रेजिडेंट हु वॉज अनअपोज्ड बाय द ऑपोजिशन. ये आपको मालूम है नहीं ना, तो मैंने भी बताया आपको. ठीक है, सो ही वॉज 77 से 82 तक थे प्रेजिडेंट. शंकर दयाल शर्मा 87 से थे, 87 से 92 तक ये अपने वाइस प्रेसिडेंट थे. शंकर दयाल शर्मा. ठीक है, सो दिस वाज इट. तो 1 and 4 आर द राइट आंसर. सो आई एंड अप द वीडियो हियर. आई होप दैट आपको पसंद आया वीडियो. आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब इट, शेयर इट टू द पीपल हु आर वर्किंग फॉर पॉलिटी. लेट देम ऑल्सो नो दिस इज ऑल्सो अ प्लेटफॉर्म फ्रॉम वेयर दे कैन लर्न फुल पॉलिटी. ठीक है, only request is that. I'll meet you in the next video. Till then, take care. Bye-bye.